हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवाइंड टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज न्यू मून है, ठीक है। न्यू मून यानी कि अमावस्या होता है, ठीक है। इस अमावस्या यानी कि न्यू मून में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है, ठीक है। वो आपको लेकर के क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके डीप फीलिंग्स, ओके। डीप 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 जाके हम देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। सो जल्दी से लाइक करके वीडियो को कनेक्ट हो जाइए, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून में। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। स्पाइन की एनर्जी आई है, ओके। डिवाइन गाइड करे और बताएं, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ओके। फोकस कीजिए रीडिंग पे, आज न्यू मून है, सो अच्छे से ध्यान करके फोकस करें अपने पार्टनर पे, ओके, ताकि आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल सके, ओके। अवेयरनेस यहाँ पे है, स्पाइन की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडिंग, डिवाइन गाइडेंस, क्या बात है। क्लोज अप, सो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो इसे हम क्लेरिफाई करके देख लेंगे कि क्या मैसेज देना है आपको डिवाइन ने, ओके। डिवाइन क्या बताने के लिए आपको बार बार यहाँ पे इशारा कर रही है, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए देख दूंगी, ठीक है, मैसेजेस, ताकि आप लोग थोड़े से सिक्योर हो जाओ और समझ में आ जाए कि क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। जनरी, ओके, वी हैव अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डिवाइन फीमेल, ओके। सो दीदी अभी अभी मेडिटेशन करके आई है, सो इसीलिए मैं इतना फास्ट फास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, रीडिंग्स कर रही हूँ, ठीक है, ओके। सो हम इसे क्लेरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ओके। न्यू मून की एनर्जी क्या है, स्पाइन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें डिवाइन, स्पाइन की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, क्लेरिफाई द स्पाइन, ओके। नाइट ऑफ वेंट्स, मेंडिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है मेंडिंग की एनर्जी को, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस का जो कार्ड है, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है। मैं इसे अगेन क्लेरिफाई करूंगी किसी और डेक से, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि दीदी को जैसा इंट्यूशन मिलता है, दीदी वैसे रीडिंग करती है, राइट। सो इसे मैं बाद में क्लेरिफाई कर दूंगी, ठीक है। डिवाइन गाइड करे और क्लेरिफाई करे अबंडेंस की एनर्जी को, इनकी एनर्जी में अबंडेंस की एनर्जी क्यों है, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्लोजअप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ बैंड्स क्लेरिफाई कर रहा है वीजा बू को, स्केयर्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ पैंटिकल्स, जर्नी की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स ना जर्नी की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, और देखो कि वही कार्ड क्लेरिफाई भी कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है दी हैंगमैन, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि डिवाइन फीमेल की एनर्जी आई थी, यानी कि ये मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, यानी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ये कहीं ना कहीं अटक गए इस रिश्ते में, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। आप यदि सोच रहे हो कि ये व्यक्ति क्लियर होके मेरे से छूट के चला गया है, सो ये व्यक्ति अभी तक क्लियर नहीं है किस रिलेशनशिप में इनको रहना है, नहीं रहना, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस चीज की क्लियरिटी अभी तक आपके पार्टनर के माइंड में नहीं आई है, ठीक है। इनकी एनर्जी में जो राशियां पिक हो रही है वो राशियां हैं एरीज, टॉरस यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, जेमिनी है मिथुन राशि, सिंह है लियो राशि, कैंसर कर्क राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजोटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, पाइसेस मीन राशि की एनर्जी है, ठीक है। नंबर्स में बता दूं, नंबर जो स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आया है, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 11 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 11 की एनर्जी है, ओके। सो आप ट्रिपल 11 भी ले सकते हो, बिकॉज आज नवंबर 1 है, राइट, और मंथ जो है वो 11 है, सो ये पल 1 जो है वो अलग तरीके की एनर्जी क्रिएट करता है लाइक हमारे लाइफ में। सो ट्रिपल 1 की जो एनर्जी है वो काफी पावरफुल होती है, और आज ही के दिन जो है वो न्यू मून है, सो काफी इफेक्ट होता है, ठीक है। आज के दिन से आप अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हो, आज के दिन से आप कुछ भी अपना लिखना स्टार्ट कर दे सकते हो। यदि पहले से लिख रहे हो सो कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उस चीज को पॉजिटिव वे में आप बार बार दोहराओ, ठीक है। सो ये डे जो है काफी पावरफुल डे है, ट्रिपल 1 लिख करके क्लेम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके जीवन में जो भी चीजें आप चाहते हो अबंडेंस, वो चीजें आपको लाइफ में हासिल हो, ठीक है। अब इस रीडिंग में गुड न्यूज निकल के आया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरे डेक से मुझे क्लेरिफाई करना है, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि इसको किसी और डेक से क्लेरिफाई करें हम, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे गुड न्यूज है, हालांकि ये होता नहीं है, बहुत लंबे टाइम बाद आज पहली बार रीडिंग में कोई गुड न्यूज आई है आप लोगों के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज साबित होगी या फिर आप लोग इसको किस तरीके से लेते हो, बट यस जो चीजें मैं यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, मैं उस चीज को जरूर एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए अब हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। स्पाइन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, राइट। ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माइंड से सोच रहा है, ठीक है, आपके लिए एक फ्लटीस एनर्जी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ना आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं सबक सीख चुके हैं दुनियादारी कैसी चलती है, दुनिया में लोग कैसे होते हैं, 10 जगह जाने से क्या चीजें ठीक होती है, ओके, अपने आप में किस तरीके से खुश रहना चाहिए, पार्टनर को कैसे खुश रखना चाहिए, या मेरे आसपास में जो लोग हैं उन लोगों के साथ कैसे बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए, ठीक है, या दूर के लोग या फिर दुनियादारी के लोग, ठीक है, कुछ नहीं होते इनको, ये समझ में आ गया, जो होता है वो पार्टनर होता है, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, इनको आप किस से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति काफी लंबे समय से आपके साथ क्लोजअप रहे हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये व्यक्ति जो है आपसे बातचीत ना करते हो या आपसे कंटिन्यू कम्युनिकेशन में नहीं थे, ठीक है, बट ये आपके मेमोरीज को, आपको, आपकी फोटोज को, कोई फोटो है इनकी, ठीक है, आपके पास या आपकी फोटो इनके पास है, कुछ तो है जिसको ये बहुत ज्यादा देखते हैं, मिस करते हैं, ठीक है, और ये जब जब देखते हैं, मिस करते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने की एक जिद लेते हैं अपने मन के अंदर, ठीक है, एक जिद ऐसी आती है इनके अंदर कि अभी ये आए और आपको गले लगा ले, ठीक है, अपने साथ ले जाए, ऐसी तरीके की एनर्जी इनके अंदर पीक हो रही है। बट यहाँ पे एक साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, बट ये डेफिनेटली किसी फेक अकाउंट से आपको सर्च करते हुए, आपसे बात करते हुए, ठीक है, आपके प्रति कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपसे भले ही डिस्टेंस में हो, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी जर्नी है इनकी जो चली जा रही है काफी लंबे समय से, जिसकी एंडिंग अभी तक नहीं हुई है। अभी तक इस पर्सन को ये एहसास नहीं हो पाया है कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है जो इनको बार बार खींचता है। हालांकि इनको महसूस होता है कि आप इनके कुछ तो हो, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, या फिर आपने इनके ऊपर कुछ करवा रखा है, या इनका कनेक्शन आपके प्रति डीप हो रहा है, फिर ये अपने माइंड से कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, हो सकता है मैं ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, आपके पार्टनर बार बार दो तरफा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है, भले ही आपसे डरते हैं, आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे, बट ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। जिस तरीके की जर्नी आप दोनों में चल रही है ना, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके साथ ऑनेस्ट तरीके से एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपके साथ इस जर्नी में चलना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है काफी लंबे टाइम तक मैं अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं रहा, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट तरीके से इस रिलेशनशिप को निभा नहीं सका या निभा नहीं सकी, इस वक्त मैं अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट तरीके से रहूंगा या रहूंगी, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और इस वक्त यदि आप इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रहे, सो आप ऐसा मान लो आने वाले टाइम में ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से वर्क करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक गुड न्यूज, जैसे कि मैंने आपको कहा था, राइट, सो ये गुड न्यूज है, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पछतावा कर रही है। यस, इंसान माफी मांगे ना मांगे, बट सामने वाले को यदि उसकी गलतियों का पछतावा हो जाए, सो यही बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और आपके पार्टनर के दिल में यही पछतावा मुझे बार बार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है चीख चीख के ये चिल्ला रहे अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, खुद को ऐसा कह रहे हैं कि भाई मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, मैंने अपने लाइफ में सब कुछ गंवा दिया है, एक भले एक सच्चे इंसान को खो के मैंने अपने लाइफ में अबंडेंस को लात मारा। यस, इनको ऐसा लगता है कि आपको खो करके इन्होंने अपने जीवन में अबंडेंस को अपने ही हाथ से मार डाला या भगा दिया कि भाई जा, मुझे किस्मत चाहिए नहीं, ठीक है, मुझे क्लोजनेस चाहिए नहीं, मेरी किस्मत से कभी बनती नहीं है, कभी मेरा उससे बना ही नहीं, तो अब क्या बनेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक भाग्य उदय थे, बिकॉज आप देखो व्हाइट कलर जो होता है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और पॉस्पेरिटी लाता है। कलर व्हाइट जो होता है आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाता है, राइट, व्हाइट कलर का हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बट ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भाई परी जैसा, ओके, किंग या क्वीन जैसा इंसान मैंने खोया अपनी लाइफ में, और इस डब्बे को, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, उनको ऐसा समझ रहे कि डब्बे को मैंने अपना लिया, डब्बा या डिब्बी जो भी आप कह लो, ठीक है, इस
पर्सन के माइंड में जो चीजें मैं देख पा रही हूँ, यदि आप देख लेना, यदि आपको महसूस हो जाए, सो आप सोचोगे कि भाई क्या बात है, मजा आ गया हमें तो. राइट. ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डब्बे की एनर्जी फील कर रहे हैं कि भाई मैंने तो अपने हाथ से किसी किंग या किंग को जाने दिया और जो डब्बे को अपने लाइफ में रखा हुआ है और सफर करते जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे लाइफ में तो अबंडेंस ही नहीं है. कहीं ना कहीं रिग्रेट और पछतावा फाइनली अब आपके पार्टनर के मन में आ रहा है, ठीक है. और ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये आपको अबंडन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद के लाइफ से इन्होंने आपको निकाल करके या छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, जिसके वजह से यहाँ पे दी हैंगमैन का कार्ड आया था. ये पर्सन अटक चुके हैं अपनी लाइफ में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है व्यक्ति लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ थोड़ी सी बात करने को ये पर्सन तरस रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत तरस रहे हैं ये पर्सन, बट ये आ नहीं रहे, ठीक है. खुद से होके नहीं आना चाहते, इनका ईगो बहुत है. आपके पार्टनर जो भी है ना, मेल फीमेल, इनके अंदर ईगो बहुत है, मैं बता दूं, ठीक है. इस व्यक्ति का ना थर्ड चक्रा भी ब्लॉक है, मुझे बार बार फील हो रहा है कि इनके थर्ड चक्रा में ब्लॉकेजेस ज्यादा है, ठीक है. और ये मुझे फील हो रहा है, यस, दी जजमेंट. चांसेस है ये पर्सन आने वाले टाइम में आपको इस चैलेंजिंग भरे टाइम में ये आपको लाइक जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है. और ये इस जजमेंट से लाइक ये आपको फील करवाएंगे कि ये पर्सन आपको कितना ज्यादा चाहते हैं, और आपको पाने के बाद इनके लाइफ में एक विक्ट्री एक्सपेक्टेड है. यस, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ विक्ट्री होने वाली है यदि आप इनसे कनेक्ट होते हो, बात करते हो, सो ये इनका एक भाग्य उदय होगा, ठीक है. एक भाग्य उदय बराबर ही होगा, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ आना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ खो जाना, यानी कि इनके लाइफ में विक्ट्री होना, राइट. ये जानते हैं कि जब ये आपसे कनेक्शन में आएंगे, जब आपसे बातचीत करेंगे, तो इनके लाइफ में अलग लेवल का एक पैशन क्रिएट होता है, ठीक है. अलग लेवल की एक एनर्जी क्रिएट होती है, और ये बात आपके पार्टनर चाहते हैं. लेट्स सी कि ये क्यों आना चाहते हैं. इनवेस्ट मुझे बताएं क्यों आना चाहते हैं, क्या थॉट्स है. इनवेस्ट मुझे बताएं ये क्यों आना चाहते हैं, क्या इंटेंशन क्या है इनकी. हालांकि जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार फील करते हैं, बट ये आना क्यों चाहते हैं. डिवाइन मुझे बताएं ये क्यों आना चाहते हैं. पेज ऑफ वेंड्स, ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं, ठीक है. इनकी एनर्जी में सिर्फ लव है, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ लूटना चाहते हैं, ठीक है, या आपको लूट के भाग जाना चाहते हैं, आपके सोना चांदी या आपका घर बार लेके, नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है. लूटने के लिए आपको नहीं आ रहा है, ठीक है. ऐसा लग रहा है आपके साथ एक डेटिंग एनर्जी चाहते, हो सकता है पास्ट में प्यार बहुत ज्यादा रहा आप दोनों के बीच में, ठीक है. ये पर्सन हो सकता है कि किसी और के तरफ थे, इनके माइंड में कोई एक से दो लोग थे, ठीक है, बट इस वक्त ये क्लियर है, इस वक्त ये आपके पीछे आ रहे हैं. अब पिक्चर्स देखो आपकी, आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है. अब आपके पार्टनर आपको मनाते हुए, आपके पीछे आते हुए और आपके पीछे लालू पचू करते हुए आपको ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है. आपको मनाने की कोशिश, आपको रिझाने की कोशिश, अच्छे अच्छे प्लेस पे घुमाने की कोशिश करेंगे, या आपको कह सकते हैं कि चलो कहीं हम बाहर घूमवाते हैं, ठीक है. इनको पता है कि आप बाहर जाओगे, इनके साथ घूमोगे फिरोगे, तो ही आपका माइंड फ्रेश होगा और आप इनको रिप्लाई करोगे, ठीक है. बहुत ही हाई चांसेस है ना, ठीक है. इस कार्ड से जो एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी बाइक राइड पे जाना चाहते हैं, किसी कार पे या किसी बाइक पे, ये डेफिनेटली आपको लेके जाना चाहते हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्राइवेसी इनको चाहिए, ठीक है, कुछ प्राइवेसी चाहिए इनको, जिसकी वजह से ये आपके साथ अकेले जाना चाहते हैं राइड पे, ओके. और एक डेटिंग एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि जीवन भर आप इस डेट को ना भूल पाओ, आप इनको माफ कर दो, जो भी गिले शिकवे आप दोनों के बीच में रहे, उन सारी चीजों से इनको मुक्ति मिले, खत्म हो सब कुछ, ठीक है. और आपके पास एक प्यारा सा ऑफर रखा जाए, ताकि आप भी खुश हो जाओ, ठीक है. आपको भी लगे कि भाई चलो कुछ तो इस बंदे को या बंदी को अकल आई, ओके. सो चलिए अब हम क्लेरिफाई करते हैं डिवाइन गाइडेंस को, बट एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लेम करिएगा जरूर 111 लिख के, ओके. डिवाइन गाइडेंस को क्लेरिफाई करे डिवाइन, बट जिसके लिए भी है ना ये एनर्जी, डेफिनेटली उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसके पार्टनर आने वाले हैं और बहुत जल्द सारी चीजें सही होने वाली है, ठीक है. रिलीज, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी थी आपके लाइफ में, रिलीज करो बच्चे, आप समय आ गया है कि आपके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी जिसमें आपको हिम्मत, स्ट्रेंथ, लव, पॉस्पेरिटी, जो भी चीजें आप चाहते हो वो आपको मिलेंगी, ठीक है. बट इन चीजों के लिए ना आपको थोड़ा सा
चीजों को खत्म करने की जरूरत है। मतलब अपने लाइफ में जो भी आपने सहा है या पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रह चुकी है या पास्ट में कुछ ज्यादा ही आपने स्ट्रगल फेस करा है, ठीक है, उन सारी चीजों को आपको खत्म करना होगा। ठीक है, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको सारी चीजों से अपना फोकस हटा के सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। एक और कार्ड चाहिए हमें, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए और समय आने पे यूनिवर्स आपको सारी चीजें देंगे जिसके लिए आप बने हो, राइट। सो हमें एक कार्ड चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए। यस, गोइंग फॉरवर्ड, आप बस चलते जाओ, ठीक है, रास्ता आपको खुद दिखाई देगा। हो सकता है करंटली आपको नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मेरा रास्ता है या मैं सही पाथ पे हूं नहीं हूं, बट जिस भी चीज में आप चल रहे हो ना, आप डेफिनेटली जाओ। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। यदि आप इस पर्सन को चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा लाइफ, मेरा लव वापस लौट के आ जाए, तो यस, फुलफिलमेंट की एनर्जी, ये पर्सन वापस लौट के जरूर आएंगे। बट उसके पहले आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है, अपने आप में चेंज लेके आना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि खुद को बदल लीजिए, ठीक है, अपने आप को बदल लीजिए, अपने पहनावे को, अपने कपड़े को, अपने फेस को बदल लीजिए, नहीं, मैं ऐसे बदलाव की बात नहीं कर रही, अंदर का बदलाव। जैसे कि हम अंदर से बदलते कि भाई चलो ठीक है, दुनिया आज मैं ऐसे देख रही थी या देख रहा था, आज से मैं ऐसे देखना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। पहले मैं लोगों के बारे में बहुत सोचता था, अब मैं खुद के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, यानी कि खुद को लेकर के थोड़े सेल्फिश हो जाओ, ठीक है, खुद से सेल्फ लव कीजिए। खुद को लेकर के सोचना या खुद के बारे में थोड़ा सा विचार करना अपने भविष्य यानी कि फ्यूचर को लेके, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज नहीं है। आपने सोचा ना, बहुत लंबे टाइम से आप सोच ही रहे हो ना, आप कंफ्यूजन में तो हो ही, राइट। अब आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बट ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, डेफिनेटली आप मान लो कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है या आसपास में हो या किसी भी तरीके से कनेक्ट हो, ठीक है, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत क्रेविंग फील करते हैं, ठीक है, क्रेव, ये बहुत ज्यादा आपके लिए लव फील करते हैं और इनको यस चाहिए आपका साथ, ठीक है, तभी जाकर के ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस रखना है, सारी चीजों को भूलना है, एंड यस आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनके साथ आपकी रीयूनियन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, बट ये आने वाले अपकमिंग इवेंट्स में होने वाला है, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग, यदि रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो 11:11 पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, बेल नोटिफिकेशन को दबा दी और यस वीडियो को लाइक करें, क्लेम करें। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, बाय गाइज।